बताने बच्चा। देखो यहाँ पर मैं आप लोग को एक नया पाठ शुरू करने वाली हूँ, उसका नाम है हमारे राष्ट्रीय पति। तो हर एक देश विश्व में जितने प्रहरी इस विश्व में इस दुनिया में इस जगत में जितने भी देश है वो अपने अपने कुछ सिंबल्स बनाए रखते हैं, माने प्रतीक बनाए रखते हैं। सो इस प्रतीकों से इन प्रतीकों से हमें उस राष्ट्र का मान सम्मान और उस प्रदेश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय प्रतीक माने क्या, माने यहाँ पर देखो सो ये राष्ट्रीय प्रतीक वो है जो राष्ट्र के लांछन भी कहलाते हैं। सो देखो यहाँ पर हमारे राष्ट्र के ध्वज है, पुष्प है, प्राणी है, माने उस देश में बहुत ही सुंदर है या इम्पोर्टेंट लगे सो उसे हम वो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में माने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मनाते हैं, उसे अपनाते हैं। तो यहाँ पर देखो इस पार्ट में आप लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पाठ क्यों रखा गया है तो देखो हर एक देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी पाना हमारा एक अगर रुचि उत्पन्न करेगा। सो देखो यहाँ पर इंग्लैंड के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं, अमेरिका के कौन से हैं, ऐसे अगर हम बहुत सारे देशों को देखेंगे तो हर एक देश के रहते वैसे हमारे देश में भी बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक है। यहाँ पर देखो इस पाठ के जरिए बच्चे भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके साथ साथ उनका सम्मान करना भी सीखेंगे। सो भारत भारत देश ने किन किन राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया है और वे कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ उन्हें सम्मान करना भी बच्चे इस पाठ के जरिए सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो स्वतंत्र देश की पहचान करने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। स्वतंत्र देश की पहचान, सो अगर हम कहेंगे तो स्वतंत्र देश की ये पहचान है, स्वतंत्र देश की पहचान है, ये देश की पहचान के प्रतीक है, पहचान है ये राष्ट्रीय प्रतीक। सो यहाँ पर देखो सो स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान है ये राष्ट्रीय प्रतीक। सो राष्ट्रीय प्रतीक कह रहा है कि स्वतंत्र देश की एक पहचान है ये राष्ट्रीय प्रतीक। सो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए आप लोग भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कुछ इस तरह है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय धाना, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी एंड राष्ट्रीय पुष्प। सो यहाँ पर मैंने लिखा है देखो छह लिखा है मैंने आपको, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय धाना, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी एंड राष्ट्रीय पक्षी। तो हम देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। सो मैं अब आप लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताने जा रही हूँ। राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग होते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे आप लोग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग होते हैं। सो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग है, केसरी रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है, हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। पहले तो हमें हमारे देश का एक प्रतीक कर रहा है ध्वज, क्योंकि अपने देश की एक पहचान देने के लिए हमें एक ध्वज पर आना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर भारत में त्रिवर्ण ध्वज माने त्रिवर्ण ध्वज माने हमारा ध्वज तीन रंगों से बराबर तीन रंगों में तीन रंगों के हिस्से में बांटा है और उसमें उसके बीच में एक अशोक चक्र है। तो यहाँ पर देखो हमारे ध्वज में तीन रंग है, उसमें सौ केसरिया सफेद रंग है हरा रंग, पहला ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद, उसके नीचे हरा रंग। तो ये तीन रंग केसरिया हरा आप सब देखो केसरिया एंड सफेद एंड हरे 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 रंग, ये तीनों कुछ हमें ये तीन रंग भी हम लोगों ने अपने झंडे में डाला है। ये तीन रंग किसकी प्रतीक है, अगर केसरिया रंग किसकी निशानी है, सफेद रंग और हरे रंग किसकी निशानी है, अगर हम देखें तो केसरिया रंग त्याग और वीरता का, अगर देखें तो केसरिया रंग है त्याग और बलिदान, सो त्याग और बलिदान का रंग है केसरिया। तो स्वामी विवेकानंद जी और महान मठाधीश और सभी केसरिया रंग के कपड़े पहने हैं, माने केसरिया रंग का प्रतीक है कि त्याग और बलिदान, माने हम अपने आशाओं का अपने सुख समृद्धि को त्याग करना और देश के लिए निशान बनाना। आप लोगों ने देखा कि
स्वामी विवेकानंद जी हमेशा केसरिया रंग के कपड़े पहनते थे, उनका पूरा का पूरा शरीर केसरिया रंग से ही रहता था। तो यहाँ पर केसरिया रंग क्या है, क्या और बदल का एक निशानी है केसरिया रंग। उसके बाद सफेद रंग शांति और पवित्रता, सफेद रंग की तो शांति और पवित्रता, तो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जिस तरह सफेद रंग है, अगर हम एक हंस पक्षी को देखें तो उस तरह रंग हमें आकर्षित करता है, उसका रंग देखकर ऐसे लगता है वो शांत पक्षी है, माने उसका एक स्वभाव भी है ऐसा पवित्र। तो ऐसे इसलिए हम लोग के बीच में और हमारे झंडे के बीच में सफेद रंग डाला गया है। सफेद रंग शांत और शांत और पवित्रता का संकेत है। अगर हम लास्ट में देखें तो हरे रंग का निशान है समृद्धि और खुशहाली, समृद्धि और खुशहाली और खुशहाली। तो अगर हम देखेंगे इन तीनों रंगों तो हमें आराम से मालूम हो जाएगा, क्योंकि हरा रंग माने हरे भरे घास, पेड़ पत्ते, वन माने वन अरंडी का जो समृद्धि है वो किसानों के खेतों के बारे में। सो हरा रंग है, हमारा देश एक समृद्ध राष्ट्र है, उसके साथ साथ यहाँ पर हरियाली बहुत है, उसके साथ जहाँ पर किसान की खेत हरियाली होंगे वहाँ पर किसान भी खुश, हमारे देश की एक जनसंख्या को देखिए तो ज्यादा से ज्यादा इस खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए हरे रंग का प्रतीक है समृद्धि और खुशहाली, हमारे भारत के किसान अगर खुश रहेंगे तो देश खुश रहेगा ऐसा माना जाता है। यहाँ पर देखो हरे रंग माने समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है, सो देखेंगे तो बीच में एक अशोक चक्र है। सो अशोक चक्र क्या है, किसका प्रतीक है, अशोक चक्र में बीच में अशोक चक्र है, इसमें 24 तीलिया माने लकीर, सो ये तीलिया कहते हैं, तीलिया 24 तीलिया है, 24 तीलिया है इसमें। सो 24 तीलिया क्या है, इन लकीरों को 24 लकीरें हैं इस अशोक चक्र में। सो 24 तीलिया है, सो तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। ये ध्वज हमारे देश के आन और शान का प्रतीक है, आन और शान का प्रतीक है ये हमारा आन और शान। सो हमारे देश की जो शान है, आन है, आन और मर्यादा का एक सूचक कहलाता है राष्ट्रीय ध्वज। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से। सो पहले हम बताए कि राष्ट्रीय प्रतीक माने क्या। तो देखो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक का परिचय प्राप्त कर देंगे। तो राष्ट्रीय प्रतीक माने क्या, स्वतंत्र देश की पहचान को बताने वाले राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। हमारा देश किसी के अंत माने किसी के हाथ की प्रकृति में नहीं, एक स्वतंत्र देश भारत स्वतंत्र देश की पहचान है इन प्रतीकों से हमें मालूम होता है। तो यहाँ पर देखो इस पाठ के बच्चे क्या सीखेंगे, हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके साथ साथ उनका सम्मान करना भी सीखेंगे। सो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गाना, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी है राष्ट्रीय पुष्प। सो आप पहले कहेंगे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज में त्रिवर्ण होते हैं केसरिया सफेद और हरे, केसरिया त्याग और बलिदान का, सफेद शांति और पवित्रता का, हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का, और बीच में है एक अशोक चक्र जो 24 तीलिया है इसमें, और उसके साथ साथ हमारे ध्वज जो है हमारे देश की आन और शान का प्रतीक है। देखो यहाँ पर आप लोग अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको बोले तो आप लोगों को मालूम हो गया। अब हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताए। सो आज मैं आप लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया हूँ, अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोग को राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताऊँ। सो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको समझ में आ गया है ऐसा समझते हुए मैं यहाँ पर आपको वीडियो समाप्त करती हूँ। सो अब नेक्स्ट में मैं आपने राष्ट्रीय चिन्ह से कंटिन्यूशन